कर दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड दोस्तों काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलेगा, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से रणबीर के जीवन में खुशियां आने जा रही हैं, क्योंकि रणबीर की खुद की डॉटर उसको फादर बोलती हुई नजर आने वाली है। लेकिन दोस्तों ये बात एक अलग है कि इस समय ना ही रणबीर को पता ना ही खुशी को पता, लेकिन दोस्तों इधर प्राची को भी जल्दी ही पता लगने जा रही है, प्राची और रणबीर को, क्योंकि ये हमला जैसे ही रुक जाएगा उसके बाद में रणबीर और प्राची के जीवन में जो खुशियाँ आएंगी वो वाकई में दिलचस्प भी हैं और कहीं ना कहीं दुखदायी भी हैं। क्योंकि दिलचस्प इसलिए है कि जल्दी ही खुशी का पता लगेगा रणबीर और प्राची को कि ये हमारी बेटी है। इधर रणबीर और प्राची को अलग करने के लिए काया ने जो एक नया भयंकर रूप लेने जा रही है उसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि रणबीर आसानी से किसी से हार नहीं मानता, लेकिन जिस तरीका से रणबीर के साथ में साजिशें हो रही हैं, एक से बढ़कर एक नई नई चीज़ हो रही हैं, वो देखना वाकई में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा। जब रणबीर बोलता हुआ नजर आने वाला है काया से कि काया एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कभी प्रपोज किया है? नहीं किया। मैंने तुमसे कभी किया है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रही? मैंने ऐसा तुम्हारा क्या बुरा कर दिया है? जिसके बाद में काया बोलती हुई नजर आने वाली है कि मेरा नाम काया है और मैं कुछ चीज़ जो करती हूँ मैं किसी से पूछने की मुझे इजाज़त की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं काया हूँ और मैं जो चाहे वो हासिल कर सकती हूँ और मेरी बगैर इजाज़त की कोई उस चीज़ को लेता भी नहीं है जो चीज़ मुझे पसंद आती है, और जो चीज़ मुझे पसंद आती है उसकी हिम्मत नहीं होती कि कोई मुझसे मना कर दे। यानी हर तरीका से लगातार टॉर्चर पर टॉर्चर करने का काम फैलाती हुई नजर आ रही है इस समय बात की जाए काया की। क्योंकि काया का कहने का मतलब ये है कि मैं किसी भी तरीका से रणबीर को एक्सेप्ट करूंगी और रणबीर को मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूं। यानी रणबीर को टारगेट करने का दोस्तों काया ने प्लान बना लिया है। साथ ही आप लोगों के सामने मैं रोहित नागर हाथ जोड़ के पुनः निवेदन करना चाहूँगा गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएं गाइज कैसी लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच।